लोगों ने जिस तरह से अपना पहला असाइनमेंट किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो काबिले तारीफ है। अब हमें अपने अगले असाइनमेंट की ओर बढ़ना है। क्या मैरिनेट अभी भी वॉशरूम में है? मुझे नहीं पता मिस। मैं चाहती हूँ कि आज रात आप सभी फ्रांस द फर्स्ट 1000 ईयर्स का तीसरा चैप्टर पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। मैरिनेट को उसका होमवर्क मिल जाना चाहिए। मैं मैरिनेट हूँ, अपना मैसेज छोड़े। बीप। मैरिनेट, तुम लोगों ने मैरिनेट को कहीं देखा है क्या? क्लोई ही लेडीबग है। हे मैरिनेट, तुरंत कॉल करो, हमें बात करनी है। नीनो रुको। हाँ? मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैं मैरिनेट हूँ, अपना मैसेज छोड़े। बीप। मुझे गुस्सा आता है जब वो गायब हो जाती है, वो कॉल भी नहीं कर रही। ये लड़की है कहाँ? सच में मेरा दोस्त एड्रियन भी ऐसा ही है, पर जब तुम्हारे पापा सख्त हो तो तुम्हें चालाक बनना ही पड़ता है। एक बार फिर से लेडीबग और कैट नोर ने पेरिस को खतरनाक गुंडों से बचा लिया। हे, मुझे लगता है मैंने अभी अभी असली लेडीबग का पता लगा लिया है। क्लोई। क्लोई? क्या सच में? वो खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, दुनिया को क्या बचाएगी? मुझे तो लग रहा है कि तुम भी पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, खुद ही देख लो। जल्दी निकल जाता है, दुनिया को बचाने में तुम्हारा पूरा दिन निकल गया। हाँ, मैंने पूरा दिन का स्कूल और एड्रियन को देखने का आधा दिन गंवा दिया। इसके पीछे जो भी है वो हमें अपने पैरों पर नचा रहा है। पर तुम्हारे तो पैर ही नहीं है। आलिया ने तुम्हारा स्कूल बैग घर ला कर दिया। मैरिनेट। हाय मॉम। तुम बहुत भुलक्कर होती जा रही हो, तुम्हारे बढ़ते दिमाग के लिए तुम्हें शायद ताजी हवा और एक्सरसाइज की जरूरत है। अच्छा आइडिया है, कल से शुरू करूंगी।